गंगानगर के अनूपगढ़ में लॉकडाउन के चलते किसानों के लिए राहत की खबर है। अनूपगढ़ में सरसों की खरीद अब शुरू कर दी गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष भजनलाल कामरा ने इस पर बताया कि धान मंडी में करीब 200 दुकान है जहां पर सोशल डिस्टेंस को देखते हुए 16% दुकान प्रतिदिन खोली जाएगी। इसी के साथ एक दुकान पर एक व्यापारी मुनीम के अलावा 4 मजदूरों की ही एंट्री पास जारी किए गए हैं और किसानों के लिए टोकन अब जारी किए जाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात वहां पर किया गया है। देने के लिए आज जो है फसल खरीद की शुरुआत की गई है। ऐसा जो व्यापार मंडल अध्यक्ष भजन कामरा जी आइए, इनसे जानते हैं। सर, लॉकडाउन की भी पालना करनी है और किसानों को भी राहत पहुंचानी है, दोहरी जिम्मेवारी आप कैसे निभा पाएंगे, क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान सरकार को, क्योंकि किसानों की फसलें पक के तैयार होगी और धान मंडी बंद है। जींस तोलना बहुत जरूरी था तो कुछ मंडियों में, जहाँ जैसे गंगानगर में अभी कोरोना के केस नहीं मिले हैं, तो यहाँ हमारे जो कलेक्टर साहब हैं नकाते जी, उनके सूझबूझ से कुछ मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, जैसे हमें यहाँ मंजूरी मिली है तो हमारे यहाँ करीब 200 दुकानें और करीब 30 दुकानें, करीब 16% दुकानें हम खोल रहे हैं। तो उसमें भी एक दुकान पे हमने, जैसे बड़ी दुकान है तो उसमें 3 ट्राली मंगाई हैं, छोटी दुकान बीच की मध्यम दुकान है तो उसमें 2 ट्राली मंगाई हैं, छोटी दुकान है उसकी 1 ट्राली मंगाई है। और एक दुकान पे हमने 4 आदमियों को पास जारी किए हैं, सेठ और मुनीम मिला के 6 आदमियों को किए हैं, और एक दुकान खुली है तो उसके बाद 6 बंद है, 7वीं खुली है। इससे हमने पूरा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है पूरी, आप देखेंगे अगर बाजार में घूमेंगे तो बिल्कुल इस बात का, सभी जो काम करने वाले लोग हैं सभी के मास्क लगाना जरूरी है, दुकान पे साबुन पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये किया गया है। और ये एकदम अगर व्यवस्था सही रहती है तो धीरे धीरे हम जो ट्रॉली की संख्या है वो भी बढ़ाएंगे, कुछ दुकानों की संख्या भी प्रशासन के सहयोग से बढ़ाना, ये हमारा प्रयास है कि जो खेतों में फसल पक के तैयार हो गई है, निकल चुकी है, वो तुल जाए ताकि लोगों का रोजगार भी शुरू हो जाए। तो ये थे व्यापार मंडल अध्यक्ष भजन जी कामरा, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन की पालना के साथ साथ जो किसानों को भी राहत पहुंचाई जाएगी और जो सामाजिक दूरी है, जो अन्य जो कोरोना के चलते सावधानी बरतनी है वो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और व्यवस्था बनाने के लिए जो व्यापार मंडल अध्यक्ष समय इस गेट पर खड़े हुए, मात्र ये एक ही गेट खोला है और जिनको जो किसानों को मजदूरों को पास जारी किया, सिर्फ पास वाले को अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिस जो जाब्ता वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 TV, अनूप। फिलहाल रुक रहे एक और छोटे